हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिश यूट्यूब चैनल। आई एम देवजीत। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो लाइटिंग के ऊपर रहेगा। एक भाई ने बोला था कि आपका टैंक का जो लाइटिंग है वो थोड़ा मुझे बताओ कि क्या लाइटिंग आपने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली आपको दिख रहा होगा मेरे टैंक में कि इस साइड का जो लाइटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू उस साइड में लाइटिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो लाइट दिया हुआ है बस इसी साइड में दिया हुआ है। इसका जो मेन रीज़न है और क्या लाइट दिया है मैं वो भी आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। इस साइड में देने का जो रीज़न है वो ये है कि फिशेस को हरदम लाइट में रहने का उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा लाइट अगर होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ज़्यादा लाइट दिया है, वहाँ पे कम दिया है, ताकि फिश घूम सके आराम से। उसको जहाँ पे रहना पसंद हो वहीं पे रहे, कभी लाइट में आए कभी वो डार्कनेस में जाए। तो इसी बेसिक के ऊपर मैंने वो लाइट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे नहीं लगाया। और फ्रेंड्स, मुझे जो बेसिकली मेरा जो एक्वेरियम हॉबी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स अभी आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में इतना तरह का महंगा महंगा लाइट मिल रहा है, एलईडी लाइट, उसके बाद आपका मेडिसिन हो गया, इतना तरह का मेडिसिन मिल रहा है, जो कि इतना सारा मेडिसिन का कोई फिश को ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेरा जो फिलोसफी है, मैं एक्वेरियम में बहुत ही कम चीज़ यूज़ करता हूँ और मेरा फिश एकदम ठीक रहता है। तो मैं अभी आपको फ्यूचर में जो वीडियो में बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं कौन कौन सा जो एकदम कम चीप रेट में आपको मिल जाएगा मेडिसिन वो यूज़ करता हूँ और फिश मेरा एकदम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिश को। तो फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है लाइटिंग के ऊपर, फिर मेडिसिन के ऊपर, इतना सारा मेडिसिन के ऊपर। बेसिकली फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं, आपको बस नेचर को फॉलो करके बस उसको कॉपी करना है, बस यही आपका काम होना चाहिए। नेचर को आप फॉलो करो और वो क्या कर रहा है, नेचर को आप देखो कि रिवर में क्या सिस्टम चल रहा है, उसको फॉलो करो और फिर आपके एक्वेरियम में अप्लाई करो, तो ही आपका फिश ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक जो मुद्दा है जो आप देखना कि जैसे कि आप बड़ा बड़ा पॉन्ड्स ले लो, उसमें क्या होता है कि प्लैंकटन्स ब्लूम हो जाता है, प्लैंकटन्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसमें नीचे तक लाइट्स नहीं पहुंच पाता और फिश मतलब थोड़ा उसको एकदम ज़्यादा लाइट एकदम पसंद नहीं है और एकदम डार्कनेस में भी नहीं। रात को भी देखना आप, जो चांद का जो लाइट है वो मिलता रहता है, हल्का सा लाइट मिलता है रात को, और दिन को भी थोड़ा थोड़ा लाइट मिलता है, और फिर वहाँ पर तो मतलब उनको छुपने का जगह भी है तो लाइट मेंटेन रहता है। फिर प्लैंकटन्स, फिर बहुत सारा जैसा है कि कलर का जो आपने देखा होगा कि पॉन्ड का कलर ग्रीनिश टाइप का हो जाता है, तो वो वहाँ पे प्लैंकटन तैयार हो जाता है, तो लाइट एकदम सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पानी में नहीं घुस पाता, तो इसीलिए फिश को मतलब थोड़ा हल्का हल्का लाइट मिलता है तो ठीक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी फिलोसफी को आपको एक्वेरियम में यूज़ करना है, एकदम ज़्यादा लाइट नहीं दे देना कि फिश को एकदम अच्छे से फिश एकदम दिखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा आप लाइट दीजिए, मतलब जैसे मेरे एक्वेरियम में देख रहे हो लाइट ठीक ठाक है एकदम, तो अगर ज़्यादा लाइट दोगे तो फिश को स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीडियम सा लाइट दीजिए आप, और अब देखते हैं मेरे एक्वेरियम में लाइट कौन सा यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इस टाइप का लाइट मैंने एक लाइट बस लगाया यहाँ पे ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको एलईडी लाइट कहीं पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगा, अराउंड 100 रुपीज़ 120 के अराउंड लेता है और बहुत दिन चलता है फ्रेंड्स, एलईडी है तो इसका पावर भी ज़्यादा नहीं है, वाट कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 10-12 वाट का होगा। तो फ्रेंड्स, यही बेस्ट है मेरे को लगता है कि आपको चीप रेट में मिलेगा। मार्केट में तो बहुत सारा एलईडी लाइट मिलता है, बहुत महंगा महंगा, 500 रुपये 600 रुपये, तो उतना ज़्यादा महंगा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी टाइप का एक ले सकते हो एक्वेरियम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज़ ऑफ योर एक्वेरियम। तो अब देखते हैं कि मेरे ऊपर में कैसा आपको दिखता है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे एक्वेरियम के नीचे एक वाइट वेनाइल लगाया हुआ है, उसका एक बेनिफिट मुझे मिलता है जो कि है मैंने इस टैंक में एक ही लाइट लगाया है और जो वो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है, नीचे से रिफ्लेक्ट होता है, लाइट नीचे से रिफ्लेक्ट करके पूरे टैंक में स्प्रेड हो जाता है और पूरे टैंक में मेरा एक लाइट से काम चल जाता है। आपको जो मैंने अभी लाइट दिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन सा लाइट यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये कोई मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यही यूज़ करो, लेकिन जो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं अपना ओपिनियन मैंने आपको दिया कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और क्यों करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपको जो अच्छा लाइट लगता है तो वो आप भी लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, जो टाइमिंग जो है लाइट जलाने का वो है, मैं सुबह तो बेसिकली लाइट जलाता नहीं हूँ,
और शाम को वही 6 बजे से लाइट जलाता हूँ और रात को 10 बजे तक चलता है। तो उस टाइम में अगर लाइट जलता है तो फिश का कलर थोड़ा ठीक ठाक पकड़ लेता है, क्यों और कलर जब पकड़ लेता है तो जैसे कि कोई घर में घूमने आया तो वो देख के भी उसको अच्छा लगता है कि इतना अच्छा अच्छा कलर आ गया लाइट का, फ़िश का जो कलर है। तो वही है फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब सुबह को लाइट नहीं जलता और फिश का कलर तब थोड़ा छोड़ देता है, मतलब थोड़ा लाइट हो जाता है कलर, और लाइट जलाने के आधा घंटे के बाद ही फिश का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो इसीलिए मैं शाम को लाइट जलाता हूँ, क्योंकि घर में अगर कोई घूमने घूमने आता है तो एक्वेरियम का लाइट जलने से अच्छा भी लगता है और कलर भी अच्छा लगता है फिश का। और रात को मैं बेसिकली लाइट जलाता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा विंडो है तो विंडो से हल्का एक लाइट आता है तो उसी से मेरा रात को काम चल जाता है। और रात को बेसिकली मुझे जो लगता है जलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि रात को फिश को थोड़ा रेस्ट करना करने दीजिए आप, ज़्यादा लाइट जलाएंगे तो स्ट्रेस में आएगा। तो 6-7 घंटा ठीक है लाइट जलाने से, आप शाम को अगर लाइट जलाओगे तो ठीक है, तो सारा दिन जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता लाइट। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और जो मैंने आपको बोला कि एकदम कम जो इन्वेस्टमेंट में आपको कैसा एक्वेरियम को आपको हैंडल करना है, जैसे कि मेडिसिंस हो गया, लाइट आपको दिखा दिया मैंने आज कि मैं कौन सा लाइट यूज़ करता हूँ। तो मेडिसिंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलता रहेगा कि एकदम कम रेट में, उतना ज़्यादा कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अभी तो मार्केट में बस मतलब सेलिंग का काम चल रहा है, इतना सारा प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में जो कि मतलब जो कस्टमर्स है वो खरीदते खरीदते पागल हो जाता है, इतना सारा प्रोडक्ट्स है, उसका प्रोडक्ट्स में ही आधा उसका पैसा चला जाता है। तो उससे थोड़ा बचिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा मेडिसिन ज़रूरत पड़ता है। और दूसरा बात जो ये है कि आपको अगर वाटर क्वालिटी ठीक रहेगा तो आपको कोई मेडिसिन का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए चैनल में, पीस।